दोस्तों बीसीसीआई ने जब 2021 में दो नई टीम्स लखनऊ और अहमदाबाद की अनाउंसमेंट की थी तो हमारे देश के कई सारे बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज उनको खरीदने के लिए आगे आए और जब बिडिंग हुई तो बीसीसीआई ने लखनऊ की टीम को 7,090 करोड़ रुपए में बेचा और वहीं अहमदाबाद की टीम को 5,600 करोड़ रुपए में बेचा। और आईपीएल के हर सीजन में लगभग 1,000 से भी ज्यादा प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर करते हैं लेकिन उनमें से केवल 500 लोग ही मैक्सिमम शॉर्टलिस्ट हो पाते हैं और इन 500 लोगों में से 80 से 90 प्लेयर्स पे ही मेनली बिडिंग होती है, यानी कि 80 से 90 प्लेयर्स पर ही टीम के मालिक अपना पैसा खर्च करते हैं। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या आप भी एक आईपीएल की टीम खरीद सकते हैं? और अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप एक अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं तो क्या आप आईपीएल खेल सकते हैं? और अगर आप खेलेंगे तो कौन सी टीम का मालिक आपको खरीदेगा, कितने में खरीदेगा और कैसे खरीदेगा, इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं 2007 से जब इंडिया ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीता था। उससे पहले हमारे देश के लोग T20 नाम के फॉर्मेट को नहीं जानते थे। तो जब इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता तो लोगों को काफी ज्यादा T20 का फॉर्मेट पसंद आया और आए दिन देखा गया कि T20 फॉर्मेट के जितने भी मैचेस होते थे उनके कारण ज्यादा से ज्यादा स्टेडियम में भीड़ उमड़ने लग गई और ज्यादा से ज्यादा चैनल पर व्यूअरशिप मिलने लग गई। तो इस चीज को नोटिस किया जी इंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेस नाम की एक प्राइवेट कंपनी ने, जिसने सितंबर 2007 में अपना एक खुद का टूर्नामेंट लॉन्च किया जिसका नाम ICL यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग रखा। अब हमारे देश में क्रिकेट को मेनली कंट्रोल करता है BCCI जो कि हमारे देश का क्रिकेट के मामले में सबसे बड़ा बोर्ड है, यानी कि क्रिकेट के मामले में जितने भी डिसीजंस होते हैं BCCI ही लेता है। तो जब ICL काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था तो ये चीज BCCI को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और BCCI ने ICL को बर्बाद करने को ठान लिया, जिसके लिए BCCI ने सभी प्लेयर्स को ये बोल दिया कि अगर कोई भी प्लेयर ICL में खेलेगा तो वो BCCI के किसी भी टूर्नामेंट में फ्यूचर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ BCCI ने अपने खुद के प्लेयर्स की सैलरी भी बढ़ाना शुरू कर दी, यानी कि BCCI ने वो सब कुछ किया जिससे ICL को बर्बाद किया जा सके। तो इससे हुआ ये कि ICL धीरे धीरे खत्म होने लग गया और अपने शुरुआत के एक साल बाद ही ICL पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब जैसे ही ICL खत्म हुआ तो BCCI ने अपना खुद का नया टूर्नामेंट लॉन्च किया जिसका नाम रखा IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। तो IPL की शुरुआत ICL के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी हुई थी क्योंकि इसमें अंबानी जैसे इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और शाहरुख खान जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी शामिल होने लग गए और देखते ही देखते IPL काफी ज्यादा पॉपुलर बिजनेस मॉडल बन गया। दोस्तों IPL T20 के फॉर्मेट पर आधारित ही एक BCCI का टूर्नामेंट था इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग देखने जाने लग गए। तो जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग एक पास में इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पे ब्रांड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन ब्रांड्स से बहुत ज्यादा BCCI को पैसा मिलता है और ऐसा ही कुछ IPL के साथ शुरू हुआ। तो BCCI ने जब IPL टूर्नामेंट की शुरुआत की थी तो उस समय 8 टीम्स बनाई थी जिनको बेचकर BCCI ने 2900 करोड़ रुपए कमाए थे और इन 8 टीम्स को खरीदने वाला कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक कंपनी ही होती थी। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो जाती है कि किसी भी टीम का कोई मालिक एक इंडिविजुअल हो सकता है या कोई कंपनी होती है। 2008 में जब BCCI ने 8 टीम्स को बेचा था तो उनमें सबसे महंगी मुंबई जो कि $112 बिलियन में बिकी थी और सबसे सस्ती राजस्थान जो कि $67 मिलियन में बिकी थी। और इसके अगले 2 साल बाद BCCI ने 2 नई और टीम्स का अनाउंसमेंट किया, पुणे और कोची, और केवल इन 2 टीम्स को बेचकर BCCI ने टोटल 3200 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन बाद में ये दोनों टीम्स अपने अलग अलग रीजन से IPL से बाहर हो गई और इसके बाद 2021 में BCCI ने 2 नई टीम्स और अनाउंस की, लखनऊ और अहमदाबाद, जिसके बाद IPL की टोटल 10 टीम्स हो चुकी है। अब बात करते हैं अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो किस तरीके से आप एक IPL टीम को खरीद सकते हैं और उससे किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। तो IPL की टीम को खरीदने के केवल 2 तरीके हैं, जिनमें से पहला है कि आप किसी टीम के मालिक के पास जाओ और उस टीम के शेयर्स को खरीद लो, जैसा कि LIC ने किया। LIC ने 6% शेयर्स खरीद लिए CSK के। और दूसरा है इंतजार करो और BCCI जब अपनी नई टीम्स का अनाउंसमेंट करे तो उसकी बिडिंग में पार्टिसिपेट करके सबसे ज्यादा बोली लगा के आप उस टीम को खरीद लो। लेकिन ये बिडिंग की प्रोसेस भी इतनी आसान नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि BCCI जब किसी नई टीम का अनाउंसमेंट करता है तो उसे बेचने के लिए एक प्रोसेस अपनाता है। तो जो भी उस नई टीम को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो BCCI का ITT यानी कि इन्विटेशन टू टेंडर खरीदते हैं, वो भी 10 लाख रुपए में, और ये 10 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल होते हैं। अगर आप टीम नहीं खरीद पाएंगे तब भी नहीं मिलेंगे
और आप खरीद लिए होंगे तब भी नहीं मिलेंगे। और जो लोग बीसीसीआई की इस आईटीटी को खरीदना चाहते हैं वो सभी बीसीसीआई को एक मेल करते हैं। इसके बाद बीसीसीआई मेल किए हुए लोगों में से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करती है और उनके बीच में बिडिंग कराती है। लेकिन बिडिंग कराने से पहले बीसीसीआई उस नई टीम की बेस प्राइस को सेट कर देती है जो कि 1700 से 1900 करोड़ रुपए होती है। यानी कि बीसीसीआई उस नई टीम को 1700 से 1900 करोड़ रुपए से नीचे बेचने वाली नहीं। तो इस बिडिंग में जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा बोली लगाता है बीसीसीआई उसी को उस टीम को बेच देता है। अब जब बीसीसीआई हर एक टीम को बेच चुका होता है तो हर साल एक नए आईपीएल सीजन की शुरुआत करता है जिसमें सभी टीम्स मिलकर अपने अपने प्लेयर्स का चुनाव करती है। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आईपीएल में किस तरीके से खेल सकते हैं। दोस्तों हर सीजन आईपीएल के शुरुआत होने से पहले जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो सभी प्लेयर्स आईपीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिनमें से केवल 3 ही प्रकार के प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, जिनमें पहले होते हैं कैप प्लेयर्स। कैप प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर में टीम इंडिया से किसी मैच को खेला हो, और दूसरे होते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, और तीसरे होते हैं अनकैप्ड प्लेयर्स जो कि किसी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा सेलेक्ट करके भेजे जाते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या जो कि एक अनकैप्ड प्लेयर। अब इन तीनों प्लेयर्स को मिलाकर लगभग 1000 से ज्यादा प्लेयर्स अपने आप को आईपीएल में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्टर करते हैं, जिनमें से 500 लोग शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं और इसके बाद 80 से 90 प्लेयर्स पर ही मेनली बिडिंग होती है। यहाँ पे हर एक प्लेयर को अपनी एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि रजिस्टर करने से पहले हर एक प्लेयर अपनी बेस प्राइस को सेट कर लेता है जो कि लगभग 20 लाख से 2 करोड़ के बीच होती है। बेस प्राइस यानी वो प्राइस जिस पर किसी भी प्लेयर को उस प्राइस से नीचे नहीं खरीद सकते। अब बेस प्राइस सेट करने के बाद सभी प्लेयर्स अपने आप को रजिस्टर कर चुके होते हैं, तो अगर उनमें से किसी भी प्लेयर का सिलेक्शन होता है या शॉर्टलिस्ट होते हैं तभी वो प्लेयर बिडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखो जो 80 से 90 प्लेयर्स होते हैं उनमें से सभी बेस्ट प्लेयर्स को एक ही टीम ना खरीद ले, इसके लिए बिडिंग के कुछ रूल्स होते हैं। तो बिडिंग का पहला नियम है कि कोई भी टीम 18 से कम प्लेयर्स को नहीं चुन सकती और कोई भी टीम 25 प्लेयर्स से ज्यादा नहीं चुन सकती, और दूसरा हर एक टीम को अपने पैसे खर्च करने की एक लिमिट दी जाती है यानी कि उस लिमिट के अंदर ही अपने सभी प्लेयर्स को कोई भी टीम बना सकती है जो कि 80 से 90 करोड़ रुपए के लगभग होती है। यानी कि हर एक टीम अपने सभी प्लेयर्स को 90 करोड़ के अंतर्गत ही खरीद सकती है। अब जब प्लेयर्स की बिडिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले 2 करोड़ बेस प्राइस वाले प्लेयर्स की बिडिंग होती है। अब जितने भी 2 करोड़ वाले बेस प्राइस के प्लेयर्स होते हैं उनके भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे कि ऑलराउंडर, बैट्समैन, विकेटकीपर या बॉलर, तो इन ग्रुप्स में उनकी बिडिंग स्टार्ट होती है और इसी तरीके से सभी बेस प्राइस वाले प्लेयर्स की बिडिंग होती है और सभी टीम्स अपने अपने प्लेयर्स को चुनती हैं। देखो अब टीम हो गई और सभी प्लेयर्स को भी चुन लिया गया, इसके बाद बात आती है कि किसी भी टीम के मालिक को पैसे की कमाई कैसे होती है। इस चीज को समझने के लिए हमें इस आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। तो आईपीएल के बिजनेस मॉडल में सबसे पहले ऊपर आती है बीसीसीआई जो कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी है, यानी कि कोई भी मैच कब और कैसे होगा, कहाँ होगा, ये सब डिसाइड करता है बीसीसीआई। तो जब बीसीसीआई ही इस टूर्नामेंट को करवाती है तो जितनी भी आईपीएल के नाम पे कमाई होती है वो लगभग मोटी रकम बीसीसीआई के हाथों में जाती है। अब बीसीसीआई के अलावा भी आईपीएल के बिजनेस मॉडल में 3 प्रकार के और भी कंपोनेंट होते हैं जिनमें पहला होता है ब्रॉडकास्टर। ये जो ब्रॉडकास्टर होता है ये बीसीसीआई से आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को खरीद लेता है। इससे ब्रॉडकास्टर यानी उस चैनल को यह अधिकार मिल जाता है कि आईपीएल की जितनी भी मैचेस होंगी केवल वही चैनल उन मैचेस को दिखा सकता है, और मैच के दौरान जितनी भी कंपनीज अपना एड चलाएंगी उस चैनल पे तो उस एड के लिए वो कंपनीज उस चैनल को पे करेंगे। इससे उस चैनल की भी कमाई हो जाएगी और उस चैनल की व्यूअरशिप भी बढ़ जाती है, और हर 10 सेकंड के एड के लिए लगभग 15 लाख रुपए वो कंपनी उस चैनल को पे करती है। तो शुरुआत के 10 सालों के लिए ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बीसीसीआई ने सोनी एंटरटेनमेंट को बेचा था जिसके लिए बीसीसीआई ने 8200 करोड़ रुपए चार्ज किया था, और इसके बाद 2018 से अब तक के लिए बीसीसीआई ने स्टार स्पोर्ट्स को ये राइट्स बेचे जिसके लिए स्टार स्पोर्ट्स ने 16400 करोड़ रुपए दिए। अब दूसरे प्रकार के कंपोनेंट होते हैं स्पॉन्सर, जो कि 2 प्रकार के होते हैं जिनमें पहले होते हैं टाइटल स्पॉन्सर यानी वो कंपनीज जो हर साल होने वाले आईपीएल के टाइटल को स्पॉन्सर करती हैं, यानी कि वो कंपनीज जो आईपीएल के आगे अपना नाम दर्ज कराती हैं जैसे डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल, आज के दिनों में टाटा आईपीएल, और इस नाम को आईपीएल के आगे लगाने के लिए बीसीसीआई उनसे काफी ज्यादा मोटी रकम चार्ज करता है। तो 2008 से 2012 तक के लिए डीएलएफ नाम की कंपनी ने टाइटल स्पॉन्सर किया था, इसलिए आईपीएल को आईपीएल ना बुलाकर डीएलएफ आईपीएल कहा जाता था, जिसके लिए डीएलएफ ने हर साल बीसीसीआई को 40 करोड़ रुपए पे किए। और इसके बाद आया वीवो आईपीएल
वीवो आईपीएल ने काफी ज्यादा बीसीसीआई को पैसे दिए, यहाँ तक कि 440 करोड़ रुपए हर साल पे किए। और आज के दिनों में टाटा आईपीएल जो कि 330 करोड़ रुपए पर ईयर पे करता है सिर्फ टाइटल स्पॉन्सर के लिए। और इसके बीच में भी कई सारी कंपनियों ने टाइटल स्पॉन्सर किया है, जैसे कि पेप्सी ने और ड्रीम इलेवन ने। अब दूसरे प्रकार के स्पॉन्सर्स होते हैं ऑफिशियल स्पॉन्सर्स, जो आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर को छोड़कर आईपीएल की अलग अलग चीजों को स्पॉन्सर करते हैं। जैसे सीएट टायर नाम की एक कंपनी है जो आईपीएल के बीच में होने वाले स्ट्रेटेजिक टाइम आउट को स्पॉन्सर करती है, जिसके लिए कमेंटेटर को स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ना बोलकर सीएट टायर स्ट्रेटेजिक टाइम बोलना पड़ता है। इसी तरह क्रेड नाम की एक कंपनी है जो आईपीएल के पावर प्ले को स्पॉन्सर करती है, इसलिए कमेंटेटर को सिर्फ पावर प्ले ना बोलकर क्रेड पावर प्ले बोलना पड़ता है। और इनके अलावा ड्रीम इलेवन, गेम चेंजर जैसे कई सारे ऑफिशियल स्पॉन्सर्स होते हैं। तो इन दो तरीकों से बीसीसीआई पैसा कमाता है, और इस पैसे का 50% बीसीसीआई खुद अपने पास रखता है और 50% टीम्स में बांट देता है। अब जैसा कि आपको पता है कि हर एक टीम का मालिक कोई एक इंडिविजुअल या कंपनी होती है, जिन्हें आईपीएल की टीम में प्लेयर्स पर काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जैसे प्लेयर्स को खरीदना, उनकी सैलरी देना, उनके ट्रांसपोर्टेशन, उनके होटल का खर्चा। तो इस तरीके से लगभग हर टीम के मालिक को 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अब ये 200 करोड़ रुपए कोई भी मालिक अपनी जेब से खर्च तो करेगा नहीं, इसलिए ये इतना सारा पैसा आता कहाँ से? तो एक टीम या कह सकते हैं उसका मालिक केवल दो तरीकों से पैसा कमाता है, जिनमें पहला बीसीसीआई 50% देता है, लेकिन ये जो 50% होता है ये टीम के मालिकों के लिए काफी नहीं होता है, इसलिए टीम के मालिक दूसरे तरीके से पैसा ज्यादा कमाते हैं, जो कि है टीम स्पॉन्सर। टीम स्पॉन्सर्स ऐसे ब्रांड्स या इंडिविजुअल कंपनीज होती है जो कि अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए किसी एक टीम को स्पॉन्सर करती है। अब जब कोई कंपनी या ब्रांड किसी एक पार्टिकुलर टीम को स्पॉन्सर करती है तो जितने भी उस टीम के प्लेयर्स होते हैं वो सभी अपनी जर्सी पर उस ब्रांड के लोगो को लगाते हैं, जो कि संख्या में लगभग 10 होते हैं, जिनमें से 6 टी शर्ट पर होते हैं, 2 पेंट पे होते हैं और 2 कैप पे होते हैं। इसके अलावा स्टेडियम में जो टिकट बेचकर पैसा कमाया जाता है उसका 80% उस टीम के मालिक के पास जाता है जिसके होम ग्राउंड में वो मैच हो रहा होता है, और 20% उस स्टेट के क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर वानखेड़े स्टेडियम में अगर जो मैच हो रहा है तो टिकट बेचकर जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसका 80% मुंबई इंडियंस को मिलेगा, और जो 20% बचा हुआ है वो महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को मिलेगा। अब आईपीएल की जितनी भी मैचेस होती हैं, उनमें से 7-7 मैचेस हर एक टीम को अपने होम ग्राउंड में खेलने को मिलती है, जिससे हर एक टीम को बराबर पैसा कमाने का मौका मिल सके। हालांकि स्टेडियम में टिकट बेचकर ये रिवेन्यू ज्यादा जनरेट नहीं होता है, इसलिए इसको ज्यादा लोग फोकस नहीं करते हैं, फिर भी ये 4-5 करोड़ हर एक मैच में कलेक्ट होता है। अब हर एक टीम के लिए अगले सोर्स ऑफ रिवेन्यू होते हैं मर्केंडाइजिंग। जब हम शोरूम में जाकर अपनी फेवरेट टीम की जर्सी, मोबाइल कवर, कैप्स, पैंट्स, रबर बैंड्स ये सब खरीदते हैं तो उससे उस टीम के मालिक को भी कमीशन मिलता है। अब फाइनली आती है प्राइज मनी। देखो, हर सीजन जो भी आईपीएल टीम फाइनल में पहुंचकर मैच जीतती है उसको 20 करोड़ रुपए प्राइज मनी के तौर पे मिलते हैं, और जो टीम फाइनल में हारती है उसको 13 करोड़ रुपए प्राइज मनी के तौर पे मिलते हैं, और इससे पहले जो टीम्स क्वालिफाइड 2 में बाहर हो चुकी थी उनको भी 7-7 करोड़ रुपए मिलते हैं। और इससे भी पहले जो एलिमिनेटर मैचेस होती हैं, उनमें जो टीम्स एलिमिनेट हो चुकी होती हैं, उनको भी प्राइज मनी के तौर पर 6.5 करोड़ रुपए हर एक टीम को मिलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो 20 करोड़ प्राइज मनी होती है उसका 50% उस टीम के मालिक के पास जाता है, और उसका 50% जो होता है वो प्लेयर्स में बांट दिया जाता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो प्राइज मनी है वो किसी भी टीम के मालिक के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती, फिर भी हर एक टीम का मालिक ये चाहता है कि उसकी ही टीम जीते, और वो पूरा जोर लगा देता है अपनी टीम को जिताने के लिए। तो ऐसा क्या है कि हर एक टीम का मालिक अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपनी टीम को जिताने के लिए? तो इसके पीछे मेन रीजन है टीम की ब्रांड वैल्यू। देखो, जब भी कोई टीम आईपीएल के फाइनल में जीतती है तो उस टीम की एक ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है, और ब्रांड वैल्यू बढ़ने से उस टीम को पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, और जब उस टीम को पसंद करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उस टीम को ज्यादा से ज्यादा अच्छे ब्रांड्स और कंपनीज स्पॉन्सर करेंगे, और उस टीम के मालिक को ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट होगा। तो किसी भी टीम के मालिक के लिए उस टीम की ब्रांड वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है उस 20 करोड़ रुपए से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अभी आप आईपीएल के पूरे बिजनेस मॉडल को समझ चुके होंगे, और अगर जो आपको मेरा ये वीडियो और मेरा ये वर्क पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।